बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर बड़ी खबर आया है मैट्रिक इंटर दोनों के लिए। अगर आप भी 2024 में मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दीजिएगा तो आपको यह वीडियो देखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, बोर्ड ने अपडेट किया है कि मैट्रिक इंटर की सेंटअप परीक्षा बोर्ड ही लेगा, यानी कि दो बार एग्जाम बोर्ड लेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जो है दो बार होगा दोस्तों। यहाँ साफ साफ लिखा, वर्ष 2024 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का बोर्ड ही सेंटअप लेगा। यानी कि बात को समझिए, सेंटअप एग्जाम जो होता है दोस्तों मैट्रिक और इंटर दोनों का, जिसके सेंटअप एग्जाम के बाद ही एडमिट कार्ड जारी होता है। क्योंकि जब तक आप लोग सेंटअप एग्जाम नहीं दीजिएगा तो आप लोगों का एडमिट कार्ड भी रोक दिया जाता है। ठीक ना, तो सेंटअप एग्जाम पहले था क्या कि स्कूल ही लेता था। ठीक ना, स्कूल पर ही सेंटअप एग्जाम होता था। अब बोर्ड तय करेगा, बोर्ड एग्जाम लेगा सेंटअप एग्जाम का। पहले था कि सेंटअप एग्जाम में अगर पास किए, सिर्फ पास किए तो तभी एडमिट कार्ड आएगा, अब बोर्ड ही लेगा। ऐसे में दोस्तों क्वेश्चन भी आउट होता था। स्कूल में जब एग्जाम होता था सेंटअप का तो क्वेश्चन आउट हो जाता था, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम लेगा तो क्वेश्चन तो आउट होगा नहीं, तो थोड़ा स्टूडेंट के लिए मुसीबत है दोस्तों, आप यहाँ समझिए। बोर्ड ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है कि DEO को दिए निर्देश में बोर्ड ने कहा है कि स्कूल अपनी सुविधा अनुसार शेड्यूल नहीं बनाएगा, बोर्ड ही तिथि और विषयवार शेड्यूल जारी करेगा। अब बोर्ड ही जारी करेगा, पहले था क्या स्कूल अपने हिसाब से एडजस्ट करता था कि कब हमको एग्जाम लेना है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम लेना है, लेकिन अब बोर्ड ही तय करेगा। ठीक, उसके बाद देखिए कहा, अब तक सेंटअप के लिए बोर्ड तिथि जारी करता था और स्कूल अपनी सुविधा अनुसार शेड्यूल बना परीक्षा लेता था। सेंटअप के लिए प्रश्न पत्र बोर्ड से आता था, मगर स्कूल के अपने अनुसार परीक्षा लेने के कारण ना तो प्रश्न पत्र और ना ही परीक्षा की गोपनीयता रहती थी। हर दिन प्रश्न पत्र आउट होता था। देखिए, प्रश्न पत्र आउट हो जाता था, स्कूल जो अपने हिसाब से एग्जाम लेता था, लेकिन अब बोर्ड जो है खुद एग्जाम लेगा। 2024 जितने भी शामिल होने वाले छात्र हैं तो बोर्ड खुद एग्जाम लेगा। यानी कि समझ लीजिए कि दो बार बोर्ड एग्जाम आपको देना होगा। जब तक सेंटअप एग्जाम में आप लोग पास नहीं कीजिएगा तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। पास करना जरूरी है और प्रेजेंट भी होना जरूरी है। अगर आप एग्जाम में प्रेजेंट नहीं होते तो आपका एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा 2024 में, चाहे मैट्रिक के हैं चाहे इंटर के हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा फैला दीजिए, क्योंकि यह जरूरी सूचना सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों। ठीक ना, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, क्योंकि यह अपडेट सभी के लिए आवश्यक है।